जस्टिस फॉर सितारा यासीन। और उसके बाद बच्ची को दिखाया, फिर चुप हो गई कि मैं दुखी हूँ बाबा, आपके पास आना है। फिर जब बच्चे को दिखाया तो अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कौन से अल्फाज यूज़ करूं उन हेटर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो किसी को जो है जीने नहीं देते, बिला वजह तनकीद करते हैं, ना उनका कोई लेना ना देना ना रिश्तेदारी, सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आप किसी को भी बुरा भला कहेंगे। जस्टिस फॉर सितारा यासीन, हम सितारा यासीन के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। प्लीज़ बायकॉट करें हेटर्स का, प्लीज़ बायकॉट करें हेटर्स का, मत देखें उन लोगों को, वो लोग हेटर्स हैं, मत देखें उन लोगों, मत देखें उनको कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। दिमाग फट रहा है ये वाली वीडियो देख के सितारा यासीन की, बच्चे हैं उसके छोटे, खुदा रहा। मैं अपने जज्बात जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। कहना चाहूंगी सितारा यासीन के सपोर्टर्स को, खुदा रहा इस वीडियो के बाद आप लोग मत देखें हेटर्स को। अगर सितारा यासीन भी अंबर और स्वीटी की तरह करती, आपको याद होगा कुकिंग विद शबाना जो है उनकी बेटी का कोई वाकया हो रहा था, तो हेटर सपोर्टर आ गए थे इधर से उधर से, जो जो वीडियो बनी थी 24 घंटे के अंदर सैकड़ों स्ट्राइक दी गई थी दोनों तरफ से, जो जो जिनको गलत बोल रहा था उन लोगों को इन्होंने स्ट्राइक दी थी। दूसरे दिन मामला खत्म था, खामोशी हो गई थी। सितारा यासीन इतना नरम मत बने आप, खुदा रा मत बने इतना नरम दिल। इस दुनिया में रहने के लिए इन हेटरों से थोड़ा सा दिल ले लो, पत्थर दिल। और हां याद आया, याद आया, इन लोगों की अब रोटी कैसे चलेगी, इन लोगों की अब रोटी कैसे चलेगी। ये तो आपको हेट करते हैं ना, आपकी डेली की वीडियो उठा के। लानत है ऐसी औरतों पे जो किसी के घर खराब करती हैं, किसी की जिंदगी। मैं 8 महीने से पिट रही हूं, 8 महीने से मैं कह रही हूं अपने घर के शेर को मत मारो, लेकिन नहीं, यहां की लच्छा बांदरियों ने, यहां की जो है पागल औरतें, दिमागी तौर पे जो कमजोर औरतें हैं, उन्होंने बाहर से बंदियां बुला लिया, आओ हमारे घर में धावा बोलो, आओ हमें बुरा भला कहो। कमजोर नहीं है हम लोग, बहुत मजबूत है। चड्डी बनियान को मैं ये कहूंगी कि आपको याद होगा जब कागजात निकलवाए गए थे, याद होगा आपको, तो इसलिए आप समझ सकती हैं कि कौन कहाँ तक होता है। तो सितारा यासीन, खुदा रहा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, आपके छोटे बच्चे हैं, माँ के अलावा कोई नहीं होता किसी का, कोई भी नहीं होता, माँ तो माँ होती है। मुझे लगता है सितारा यासीन की वालदा को चाहिए वो अपनी बेटी के पास आ जाए कुछ टाइम के लिए। आखिर क्यों डिले हो रहा है, आखिर क्यों रुकी हुई है, आखिर नैना और सलमा ने ऐसा क्यों किया सितारा के साथ, क्यों? सेल्फिश लोग, सेल्फिश हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं उसके बाद सेल्फिश हो जाते हैं, चिढ़ते हैं आपकी, आपकी शोहरत से, आपकी बुलंदियों से, आपकी एक एक चीज से जलते हैं ये लोग। जस्टिस फॉर सितारा यासीन, हम सितारा के साथ हैं, 8-9 महीने से खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। प्लीज बायकॉट्स हेटर, और सितारा को चाहिए जिसने उसके खिलाफ वीडियोज बनाई हैं खामोश ना रहे, अंबर और स्वीटी की तरह करे, सब ठीक हो जाएगा, सबको अफाका होगा। सितारा यासीन की वीडियो नहीं देखी गई,
इतना दिल खराब हुआ, फटने वाला दिल था, दिल फट रहा था, हालत खराब हो रही थी देख के। आपने उसका जहन को समझा? पहले रोई, बाद में शीशे पे अपने वालिद का नाम लिखा और उसके बाद बच्ची को दिखाया, फिर चुप हो गई कि मैं दुखी हूं बाबा, आपके पास आना है। फिर जब बच्चे को दिखाया तो समझ जाओ, फीलिंग समझो उसकी। आई हेट हेटर्स, बायकॉट करें, कोई भी ना जाए उनके चैनल्स पे।